नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर शुक्रवार की देर शाम भयानक विमान हादसा हुआ, जिससे पूरा देश दुखी। भारी बारिश की वजह से लैंडिंग करते वक्त एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान फिसला तो सीधे 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा और विमान दो हिस्सों में टूट गया। इतने भयानक हादसे के बावजूद इस विमान पर 191 लोग सवार थे, जिनमें से 170 लोगों की जान बचा ली गई। कुछ लोगों की हालत गंभीर है, जबकि 16 लोगों की मौत हो गई। इन 16 लोगों में विमान के पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे भी हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाते हुए 170 यात्रियों को बचाया। IFS अफसर परवीन कासवान ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, रिस्पेक्टेड सर, आप इंडियन एयरफोर्स में डेकोरेटेड पायलट थे और आपने सिविल एविएशन ज्वाइन करने से पहले एयरफोर्स में बेहतरीन काम किया। कैप्टन और विंग कमांडर दीपक वसंत साठे को नमन। ट्विटर पर भी #RIPSir ट्रेंड कर रहा है, लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कौन थे दीपक वसंत साठे? कैप्टन दीपक साठे बेहद अनुभवी पायलट। वो एयर इंडिया एक्सप्रेस 737 में जाने से पहले एयर इंडिया के एयरबस 310 के पायलट रह चुके थे। इतना ही नहीं, वो एयरफोर्स के टेस्ट पायलट रह चुके थे, जो बहुत सारे एयरक्राफ्ट पर टेस्ट करते हैं। एनडीए के 58वें बैच के पास आउट थे। 1981 में एयरफोर्स में कमीशन हुए, 22 साल तक एयरफोर्स में सर्विस दी। 2003 में कैप्टन साठे ने रिटायरमेंट ली, बतौर विंग कमांडर एयरफोर्स से रिटायर हुए। 127 पायलट कोर्सेज में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। केरल हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन दीपक साठे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HL में भी टेस्ट पायलट रह चुके। उन्हें बोइंग 737 उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव था। दुबई से केरल लौटे एयर इंडिया एक्सप्रेस के फ्लाइट नंबर IX1344 को भी वही उड़ा रहे थे। ये प्लेन दुबई से शाम के 4:45 पर उड़ा था। प्लेन में सवार कुल 191 लोगों में 174 वयस्क यात्री, 10 नवजात, 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर शामिल थे, जिन्हें वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारत लाया जा रहा था।